हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओडिशा विद्या एकेडमी। तो आज आम ये वीडियो रे जानिबा ओपीएससी एएसओ रो बुक लिस्ट विषय रे, जे आम कौ बुक पढ़ले आम अधिका बेनिफिट पाई परबा। तो ओपीएससी एएसओ रे एबळा किछि मार्क डिस्ट्रीब्यूशन होइछि। जनरल अवेयरनेस पई हमको 100 मार्क मिलिबो, रीजनिंग रे 50 मार्क अछि, मैथमेटिक्स रे 50 मार्क, इंग्लिश रे 100 मार्क, ओडिया रे 100 मार्क। तो टोटल 400 मार्क रो रिटन टेस्ट अछि। देन आम यार बुक लिस्ट देख दबा। फर्स्ट जनरल अवेयरनेस 100 मार्क रो क्वेश्चन आसो, जहाँपाई आम लुसेंट जीके नले तरुण गोयल को आम फॉलो कर पारिबा। ए दुटा बेस्ट बुक एबे चलछि, जोटा कि प्रत्येक एस्पिरेंट फॉलो करछन्दि। आ एथरे भलो भलो फैक्ट देछि, प्रिसाइज रे फैक्ट देछि, आपण ए दुटा बुक को फॉलो कर पारिबे। देन फॉर ओडिशा जीके आम आर्यन पब्लिकेशन रो गोटे बही अच्छी, नो योर स्टेट ओडिशा। तो एथरे समराइज करके ओडिशा विषय रे बहु अल्प किसी देछि, अल्प किसी माने जति आवश्यक सेति ओडिशा जीके रे ही देछि। तो आपण को जदि मन रख पारिबे ताले आपण को बेनिफिट पाई पारिबे। तो रीजनिंग रे आम देखि देबा, रीजनिंग रे आम आसिबो एसएन पब्लिकेशन रो आर एस अग्रवाल गोटे बही अच्छे, एटा 50 मार्क रो क्वेश्चन आसे। तो एथरे आम जदि 20-30% भी आम प्रैक्टिस कर पारिबा ताले रीजनिंग बहुत सहज आसुच्छे। तो से आम प्रैक्टिस कले से रीजनिंग को आम 50-40 मार्क निहाते आम आनी पारिबा। देन मैथमेटिक्स पई सही एस सत पब्लिकेशन रो आर एस अग्रवाल बही अच्छे, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जोटा कि 50 मार्क रो क्वेश्चन आसो एएसओ रे। तो एथरे बेसिक लेवल रो हार्ड लेवल पर्यंत सब टाइप रो क्वेश्चन अछि। आपण एएसओ रे एक इजी रु मॉडरेट क्वेश्चन आसे, तो आपण एथरे इजी रु मॉडरेट क्वेश्चन पाई परिबे आर एस अग्रवाल रे। तो आपण ए आर एस अग्रवाल रो प्रैक्टिस करले आपणकर भलो स्कोर कर परिबे। देन आसो इंग्लिश रो गुटे बॉय आसी एसपी बॉक्सी, जोटा कि 100 मार्क रो क्वेश्चन आसी एएसओ रे। तो आपण ए एसपी बॉक्सी बुक को फॉलो करले आपण फैक्ट डाटा आपण क्लियर कनसेप्ट होइजे। एटा टिके मोटा बही अछि, किंतु भलो एक्सप्लेन करके देछि, उदाहरण सहित देछि। तो आपण ई ऑब्जेक्टिव इंग्लिश, जनरल इंग्लिश एसपी बॉक्सी को फॉलो कर पारिबे। देन आमे आसीबो ओडिया ग्रामर। ओडिया ग्रामर रे गोटे बेस्ट बुक होला सारस्वत व्यवहारिक ओडिया व्याकरण। आपण ग्रामर पार्ट टाको ई बुक रो आमे बुक रो देखि पारिबे। आउ एसओ रे तो खाली ग्रामर आसुनाए, तार पैसेज आसी, तार ट्रांसलेशन भी दि तीन टा पकई दोचे। तो आप बेसिकली जदि व्याकरण को देखिए, ताले ए सारस्वत व्यवहारिक ओडिया व्याकरण गोटे बेस्ट बुक मार्केट रे। आपण पैसेज पे आप टेस्ट सीरीज फॉलो कर पारिबे, आउ अन्य बही फॉलो कर पारिबे। पैसेज तो बहुत सहज आसुचे, देखि दे तो गोटे 10 क्लास रो पिला ही कर दबो, तो सेटा ओडिया बार नाही। आपण ए सारस्वत व्यवहारिक ओडिया व्याकरण को आप पढ़ी पारिबे। देन एटा हला गोटे, एटा बीके पब्लिकेशन रो गोटे एएसओ बही आसुचे, आसीस्टाट सेक्शन अफिसर। जदि आपन को ओभरव्यू एग्जाम रो जानिबार अछि जे को टाइप रो क्वेश्चन आसुचे, आपन को टाइप रो क्वेश्चन प्रैक्टिस करिवे, तो ए बही गोटे आसुचे मार्केट रे। तो आपन एटा पढ़ी पारिबे, एथरे अल्प किछि भूल रहिछि, फिर भी आपन को करेक्ट करी पढ़ी पारिबे। तो ये थिला किछि बही रो एग्जांपल। तो यापर मु गोटे टाइम टेबुल केमती कौन पढ़ा जाए, केमती आप टाइम मैनेज करेंगे, तो से विषय गोटे वीडियो नहीं आसवे। तो आप भलसे पढ़ु, आउ मात्र 3-4 मास समय रहा, आप कठिन परिश्रम करूँ, जहाँ आप वैकेंसी बाहर जिते जो से नहीं थे हाँ वैकेंसी बाहर आम पढ़ा, तो से आप भावे 50% आपंकर चान्स कमी जाइए, कहीं पिला 5 वर्ष है पढ़ुंट, 4 वर्ष है पढ़ुंट, तो ताक सहित आम टक्कर देवार अच्छे। पिला अच्छा गोटे बही देखी दे कि जो क्वेश्चन रो मैंने आप जो क्वेश्चन पढ़ुए से तार एनसर बाहर कर दे, तो एमती टाइप रो भी पिला अच्छा। तो आप से टाइप रिला जब आप टक्कर देवा चाहूँ, तो आपठू परिश्रम करने पड़ो, एमती नुहे आम मैंने एग्जाम नोटिफिकेशन बाहर हाँ सब बही किणा हे मुहूर्त देख मुहूर्त देख हाँ गुरुवार दिन पढ़ा स्टार्ट कर सी ना। तो आम टे देखे भल एबे आमर टाइम अच्छे 4 मास, ये जो टाइम को आमको यूटिलाइज करने पड़ो आमको से पिला एबे देखो तो आर आई रे जा 300+ पिला रखिदेज से कट ऑफ
ବଢ଼ିବ, କେବେ ବି ଆଉ କମିବନି, କାହିଁକିନା ଏବେ ଇଣ୍ଟେଲିଜେଣ୍ଟ ପିଲା ସବୁ ଆସିଲେଣି। ତେଣୁକରି ଆମକୁ ସେହି ହିସାବରେ ପଢ଼ିବାର ଅଛି, ପରିଶ୍ରମରେ କେବେ ଢିଲା କରିବାର ନାହିଁ, ତ ପଢ଼ିବାର ଅଛି। ତ ପଢ଼ନ୍ତୁ ଏବଂ ଆଜିଠାରୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରନ୍ତୁ, ଏମିତି ନୁହେଁ ଖାମଖିଆ ଲେଗି ରହିଯିବେ, ଯାହା ହେଇଛି ହେଇଛି ଗଲା। ଯେଉଁ ଏଗ୍ଜାମ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ଆପଣ, ଯଦି ହୋପ୍ ନାହିଁ ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ସେ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତୁ, ଆଉ ନେକ୍ସଟ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟିକୁ ଆସନ୍ତୁ। ତ ଏଇ ହିସାବରେ ଆପଣ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ପଜିଟିଭ୍ ମାଇଣ୍ଡ ନେଇ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ତାହାମାନେ ଯାଇ ଆପଣ ସକ୍ସେସ୍ ହେଇପାରିବେ। ଖାମଖିଆଲି କେବେ ବି କରିବେନି ପଢ଼ାରେ। ତ ଏତିକି ଏ ଥିଲା ବହି ବିଷୟରେ। ତ ଧନ୍ୟବାଦ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।